हाय दोस्तों ये हीट एंड मास ट्रांसफर का लेक्चर नंबर ट्वेंटी है और इस लेक्चर में हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन है और यदि आप इससे पहले के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उन क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लिंक पर क्लिक करके उन क्वेश्चनों को देख सकते हो तो देखिए ए कोल्ड स्टोरेज रूम हैज वॉल्स मेड ऑफ टू ट्वेंटी एम एम ऑफ ब्रिक ऑन द आउटसाइड साइड नाइन्टी एम एम ऑफ प्लास्टिक फॉर्म एंड फाइनली सिक्सटी एम एम ऑफ वुड ऑन द इनसाइड तो कोल्ड स्टोरेज की जो वॉल है वो थ्री लेयर से बनी हुई है और बाहर की तरफ क्या है ब्रिक है और जिसकी थिकनेस कितनी है टू ट्वेंटी एम एम तो हमने यहाँ पर बाहर की तरफ ब्रिक वाली लेयर बना दी है और इसकी लेयर कितनी है टू ट्वेंटी एम एम और मीटर में कितनी हो जाएगी पॉइंट टू टू मीटर और उसके बाद क्या है प्लास्टिक फोम और उसकी थिकनेस है नाइन्टी एम mm. तो प्लास्टिक फोम की थिकनेस हमने यहाँ पर लिख दी है और उसके बाद आपका वुड है और वुड की थिकनेस कितनी है सिक्सटीन एम mm. तो ये थर्ड लेयर किसकी है वुड की है और इसकी जो थिकनेस है वो मीटर में कितनी होगी पॉइंट जीरो वन सिक्स मीटर द आउटसाइड एंड इनसाइड एयर टेम्परेचर आर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली तो बाहर के लिए एयर टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी फाइव और इनसाइड के लिए एयर टेम्परेचर कितना है माइनस के थ्री डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है माइनस के थ्री डिग्री सेल्सियस और यहाँ आउटसाइड के लिए टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है देखिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो इनसाइड है वहाँ पर टेम्परेचर कम है तो इसे हम कोल्ड फ्लूड मान सकते हैं और जो आउटसाइड है इसे हम हॉट फ्लूड मान सकते हैं तो यहाँ पर पांच लेयर है इस तरह से इफ़ द इनसाइड एंड आउटसाइड ही ट्रांसफर कोफिशियंट आर रेस्पेक्टिवली थर्टी एंड इलेवन तो इन के लिए इसका मतलब कोल्ड फ्लूड के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कितना है थर्टी और आउटसाइड के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कितना है इलेवन तो इसका मतलब क्या है कि हॉट फ्लूड के लिए ही ट्रांसफर कोफिशियंट कितना है इलेवन तो जो भी गिवन डेटा है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशियंट फॉर कोल्ड फ्लूड इज टू थर्टी और हीट ट्रांसफर कोफिशेंट फॉर हॉट फ्लूड इक्वल टू इलेवन और उसके बाद देखिए क्या है द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ ब्रिक फोम एंड वुड आर तो ब्रिक के लिए फोम के लिए और वुड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी दी गई हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ब्रिक इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन नाइन और थर्मल कंडक्टिविटी फॉर फोम ये कितना है ज़ीरो पॉइंट जीरो टू टू एंड थर्मल कंडक्टिविटी फॉर वुड ये कितना है जीरो पॉइंट वन सेवन उसके बाद देखिए हमें क्या डिटरमाइन करना है पहले वाले पार्ट में हमें द रेट ऑफ हीट रिमूवल बाय रेफ्रिजरेशन इफ द टोटल वॉल एरिया इज 85 मीटर स्क्वायर तो इस वाले पार्ट में हमें हीट रिमूवल कैलकुलेट करना है यदि जो वॉल एरिया है वो 85 मीटर स्क्वायर है और सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड सरफेस ऑफ द ब्रिक तो सेकंड पार्ट में हमें ब्रिक के इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो जैसे कि ब्रिक वाली लेयर है तो इनसाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इसके इनसाइड साइड यहाँ पर ये इसकी आउटसाइड सरफेस है तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है कोल्ड फ्लूड टेम्परेचर तो इसे हम टी सी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है हॉट फ्लूड है तो इसे हम टी एच एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और सिमिलरली हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है टी वन यहाँ पर टेम्परेचर टी टू और यहां पर टेम्परेचर टी थ्री और यहां पर टेम्परेचर टी फोर तो ब्रिक के इन साइड का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है टी थ्री और यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है हीट रिमूवल इसका मतलब क्या है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो चलिए इसका पहला वाला पार्ट देख लेते हैं तो पहले वाले पार्ट में हमें हीट रिमूवल कैलकुलेट करना है तो देखिए हीट रिमूवल के लिए क्या फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं क्यों इजकअल टू यू इंटू ए इंटू यहाँ पर क्या है कोल्ड फ्लूड और यहाँ पर क्या है हॉट फ्लूड तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर तो हायर टेम्परेचर आपका कौन सा है हॉट फ्लूड के लिए तो टी एच एफ माइनस टी सी एफ हॉट फ्लूड टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूड टेम्परेचर तो एरिया हमारे पास है 85 और हॉट फ्लूड टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी फाइव और कोल्ड फ्लूड टेम्परेचर कितना है माइनस के थ्री तो हम क्या करते हैं कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है उसे लिख लेते हैं देखो वन अपॉन यू इसकल टू फर्स्ट वाली लेयर किसकी है यह आपकी कोल्ड फ्लूड की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे वन अपॉन एच सी एफ जो सेकेंड लेयर है वो किसकी है आपकी वुड की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एलोपोन के सेम फोम के लिए हम क्या लिखेंगे एलोपोन के और ब्रिक के लिए भी एलोपोन के और हॉट फ्लूड के लिए हम लिखेंगे वर्नोपोन में एच एच एफ तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एलोपोन के ये किसके लिए है वुड के लिए प्लस एलोपोन के ये आपका फोम के लिए है जो सेकंड लेयर है और एलोपोन के ये आपका ब्रिक के लिए है जो आपकी थर्ड लेयर है प्लस यहां पर क्या है हॉट फ्लूड तो हॉट फ्लूड के लिए क्या लिखेंगे वन अपॉन में एच एच एफ तो यहां पर हम सभी की वैल्यू रख देते हैं तो देखिए वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन में एच सी एफ की वैल्यू क्या है तो एच सी एफ की वैल्यू कितनी है थर्टी तो इसे यहां पर लिख देते हैं थर्टी प्लस लेंथ ऑफ वुड तो वुड की लेंथ कितनी है आपकी जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है वुड की देखो जीरो पॉइंट वन सेवन और लेंथ ऑफ फॉर्म कितनी है जीरो पॉइंट जीरो नाइन और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहां पर दी गई है जीरो पॉइंट जीरो टू टू और लेंथ ऑफ ब्रिक कितना है जीरो पॉइंट टू टू और थर्मल कंडक्टिविटी जीरो पॉइंट नाइन नाइन प्लस वन अपॉन हीट ट्रांसफर को फॉर हॉट फ्लूड कितना है इलेवन तो हम इसे सोल्व करेंगे तो यहां से यू की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट टू टू जीरो सिक्स सेवन और इसकी यूनिट क्या रहेगी वोट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस तो अब हम हीट रिमूवल कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं तो क्यू इज टू यू ए टी एच एफ माइनस टी सी एफ देखिये यू की वैल्यू क्या है ये है तो जीरो पॉइंट टू टू जीरो सिक्स सेवन इंटू एरिया हमें कितना दिया गया है एटी फाइव और हॉट फ्लूड का टेम्परेचर और कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर ये में दिया गया है 25 और माइनस थ्री तो हम यहां पर लिख लेते हैं 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस थ्री तो इसे सोल्व करेंगे तो यहां से क्यू की वैल्यू आएगी 5 ट्वेंटी पॉइंट वन नाइन और इसके लिए यूनिट क्या रहेगी वोट तो जो हीट रिमूवल है कॉलेज स्टोरेज से वो कितना है 525.19 वोल्ट चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें ब्रिक के इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो जो ब्रिक है इसकी इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर क्या है T3 तो T3 देखिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसकी हेल्प से हम सबसे पहले टी फोर कैलकुलेट करेंगे और जब टी फोर टेम्परेचर आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम टी थ्री टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट मेथड है तो मैं इसे करने का तरीका बता देता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हॉट फ्लूड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्यों इजकल टू एच एच एफ ए इंटू टी एच एफ माइनस टी फोर टी एच एफ माइनस टी फोर तो इसमें हम यहाँ पर क्यों की वैल्यू रखेंगे ये वाली और हीट ट्रांसफर कोफिशेंट रखेंगे एरिया रखेंगे और टी एच एफ की वैल्यू रखेंगे ये ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से टी फोर की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम क्या करेंगे कि ब्रिक के लिए क्यूँ का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा के ए यहाँ पर टी फोर माइनस टी थ्री अपॉन एल तो हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखेंगे जो ब्रिक की कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और एरिया हमारा 85 है और टी फोर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ हमें पता है तो उसके बाद हम टेम्परेचर टी थ्री कैलकुलेट कर लेंगे तो इस तरीके से तो आप कर सकते हो आसानी से तो मैं आपको इसका दूसरा वाला मेथड बताता हूँ तो इसमें हम क्या करेंगे कि केवल और केवल एक बार में ही हम T3 थ्री टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे देखो हम क्या करेंगे कि इन दोनों लेयर के लिए एक साथ फार्मूला लगाएंगे ब्रिक के लिए और हॉट फ्लूड के लिए तो इन दोनों लेयर के लिए एक साथ फार्मूला क्या रहेगा देखो क्यू इजकल टू यू इन ए इंटू टी एच एफ माइनस टी थ्री टी एच एफ माइनस टी थ्री तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इन दोनों लेयर के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वन ओपन यू इजकल टू देखो इन दोनों लेयर के लिए फार्मूला क्या रहेगा तो ब्रिक के लिए फार्मूला क्या रहेगा एलोपोन के और यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रिक प्लस ये वन में एच एच एफ तो इस तरह से यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हम इसमें सभी की वैल्यू रख करके डायरेक्ट ही T3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें T2 कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते कि इन तीनों लेयरों के लिए यही फार्मूला लगाते और उसके लिए जो यू की वैल्यू रहती वो हम यहाँ पर क्या ऐड कर देते एलोपोन के फॉर फॉर्म तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं वन अपॉन यू स्क्ल टू तो हमारे पास लेंथ कितनी है पॉइंट टू टू और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है पॉइंट नाइन नाइन और हीट ट्रांसफर कोफिशेंट कितना है हमारे पास इलेवन तो यहाँ से यू की वैल्यू थ्री पॉइंट वन नाइन थ्री आएगी अब इस यू की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं क्यू इजक्वल टू यू इंटू ए इंटू टी एच एफ माइनस टी थ्री तो क्यू की वैल्यू हमारे पास है देखो क्यू की वैल्यू कितनी है फाइव ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन नाइन और यू की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट वन नाइन थ्री एरिया कितना है एटी फाइव और हॉट फ्लोर का टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी फाइव माइनस टी थ्री तो हम इसे सोल्व करेंगे तो यहां से टी थ्री की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से टी थ्री की वैल्यू आएगी ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो सिक्स तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वाली वीडियो में